लगातार हम बाढ़ की कवरेज कर रहे हैं और तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरह से आजमगढ़ में घाघरा नदी जो है वो जो है तांडव मचाई हुई है और लोगों के घरों तक पानी पहुंच गया है। जो जनप्रतिनिधि हैं वो ध्यान नहीं दे रहे हैं, जो अधिकारी हैं उनकी लापरवाही देखने को मिल रही है, लोगों के घरों तक पानी घुसा हुआ है और कोई भी इनकी सुध लेने वाला नहीं है। इस समय मैं एक घर में चल रहा हूँ, यहाँ की तस्वीरें आपको दिखाऊँगा और बता दूँ कि इस घर के लोग इतने डरे हुए हैं क्योंकि जहरीला जानवर जो है वो जो है इस पानी के जरिए घर में आ जाता है और घर की दीवारें जो हैं वो भी डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि घर जो है वो जमींदोज हो जाए। तो तस्वीरें यहाँ की मैं लगातार आपको दिखाऊंगा जो मैंने कवरेज किया। मैं यहाँ के लोगों से बात करूंगा। जी क्या नाम है आपका? नीलम निषाद। नीलम जी ये बताइए कितने दिनों से आपके घर में? हम लोग लगभग 2 हफ्ते से परेशान हैं। 2 हफ्ते से उधर तो बाद में पानी गया, हम लोग पड़ो के रास्ते सबसे पहले एंट्री किया है पानी और सबसे पहले सब अंदर पानी उनी भर गया था। किसी तरह सामान उमान हम लोग चौकी के ऊपर रखे हैं, कुछ थोड़ा सा ऊपर गए हैं लेके गए, लेकिन सच बताएं तो हर तरीके का प्रॉब्लम। कोई आई भी नहीं किया है पूछने की पानी 2 हफ्ते से, तो कम से कम देख तो लें क्या स्थिति यहाँ की है। मतलब कोई अधिकारी कोई नहीं है? कुछ नहीं, पूछबो नहीं किया एक बार फोन करके क्या वहाँ की स्थिति है। चारों तरफ से ढलने, पीछे से भी आगे से भी आने जाने में हारे सारी सुविधाएं असुविधा हो रहा है। अच्छा ये बताइए पानी किस समय आया था? जो है रात का समय था कि सुबह टाइम? रात में ही पानी आंटी, इसीलिए ना रात को 2 बजे हम लोग सब सामान ऊपर रखे। आप लोग सोए हुए थे और अचानक जो 2-3 दिन से हम लोग नींद क्या होती है, सोए नहीं और दहशत जो अंदर है वो अलग से, अंदर नीचे सामान डूबे, लेकिन एक बार आए नहीं कि हो सकता है घर गिर ना जाए। घर गिरने का सबसे ज्यादा डर था, बीम पे नहीं है ये घर। बिल्कुल देखिए दहशत, ये लोग जिस तरह से बता रहे हैं और दहशत तो होगी। सांप इतना घूम रहे हैं जिसका कोई, अभी तो सांप भी आ जाते हैं एकदम एंट्री होगा, इसीलिए तो हम अंदर में नहीं, आप कह रहे हैं अंदर जाइए अंदर, हम अंदर नहीं जा रहे हैं, डर लग रहा है कहीं बैठा ना हो। बिल्कुल देखिए डर है इनको, तो हम भी अंदर नहीं जाएंगे भैया। और हम और बात करेंगे। चाची क्या नाम है आपका? चंद्रावती देवी। क्यों अधिकारी ध्यान ना देते? कभी ना के कौन कुछ ना देखले रहता लोग, कभी के नाम ना ले सकेला यहाँ आके। हमने कहा कल जाइए कि अपन मजबूरी में रहल जाला, मजबूरी कुल चीज है। दूसरे घर के आदमी यहाँ बाने भूसा छत पे रखे हम लोग, मतलब भैंस दूसरे के यहाँ? हाँ दूसरे के यहाँ बाँधे, उन्हें इतना हल के जा रहे हैं फिर वहाँ भैंस उस खिला के फिर उसके बाद आ रहे हैं हम लोग। देखिए देखिए जो जानवर हाउदी बह गई बता रहे हैं और भैंस को दूसरे घर बांधी। आप बताइए क्या नाम है आपका? मेरा पूजा निशान। हम जब गांव में एंट्री किए तो आप काफी आक्रोश में दिख रही थी, आपने कहा आज तक कोई? हम लोगों का स्कूल कॉलेज इस समय सारा बंद हुआ है, ऐसे हम हमारे टीचर भी हैं और एक जगह पढ़ाते हैं ऐसे प्राइवेट में और अपना पढ़ते भी हैं, यहाँ से रास्ता ब्लॉक है, ना आने जाने की सुविधा कुछ भी नहीं है। आप लोगों की पढ़ाई भी रुकी हुई है, एक तो कोरोना में रुकी थी और इसमें भी कहीं भी कुछ सुविधा नहीं है। मान लीजिए पानी तो सबको पता था, गवर्नमेंट को पता था कि इस एरिया में जाएगा, नेपाल से छूटा है, तो कम से कम वहाँ फैसिलिटी देनी चाहिए थी ना आपको, वहाँ की जो भी ये बांध वगैरह मरम्मत करवानी चाहिए थी, अभी मरम्मत नहीं हुई है, हम लोगों को दिक्कत हो रही है। जब बांध टूटा है तब वहाँ पे नेता आए हैं, बस देखे हैं गाड़ी में और गाड़ी में रिटर्न, उनको गाँव में आना चाहिए। यहाँ भी गाँव में कोई अधिकारी या कोई नेता नहीं आया है, वो गाँव टूटा तो वहाँ पे 10 घर है, मान ली 50 घर है, लेकिन ये भी तो 100-150 घर है यहाँ पे, 100-150 घर है। हाँ और वो भी जो दिनेश लाल यादव है अपनी एकदम VIP गाड़ी में आए हैं और चले गए हैं, यहाँ पे आना चाहिए था एटलीस्ट, इस गांव में एंट्री लेनी चाहिए थी। क्या कंडीशन है हम वो कर नहीं सकते हैं कुछ, लेकिन एक बार पब्लिक से मिलते हैं, यहाँ के सांसद हैं, पब्लिक से मिलते हैं, कुछ भी पब्लिक को सहूलियत देते कि हाँ भाई हम ये आपकी हेल्प करेंगे कुछ। योगी जी तो लगातार जो है बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं, लेकिन क्या करें कभी भी सर ना, क्या होता है मोदी और योगी से मतलब नहीं होता है, उनके अंदर जो नीचे स्तर के हैं उनकी जिम्मेदारी होती है, वो तो एक स्टेट देखते हैं, उसके स्टेट में इतने DM हैं, इतने विधायक हैं, इतने SP हैं, उनकी जिम्मेदारी होती है ना कि आप आइए इंक्वायरी करिए अपने अपने एरिया की, इसलिए एरिया में देखिए सही बात है, जिम्मेदारी सबकी होती है, मोदी या योगी वो निर्देश दे सकते हैं, वो लोग जाके दौरा कर सकते हैं, लेकिन जो संबंधित अधिकारी हैं जब वो लापरवाही बरतेंगे तो कैसे जनता रहेगी, उसकी जीती जाती तस्वीर जो है ये आजमगढ़ में देखने को मिल रही है। ये वही आजमगढ़ है जो समाजवादी पार्टी का गढ़ कहा जाता था, जिसे इस उपचुनाव में लोगों ने भाजपा का कमल खिलाया है, लेकिन भाजपा का कमल खिलने के बाद भी दिनेश लाल यादव सांसद जो है उनके ऊपर आरोप लगता है कि वो अपनी चमचमाती हुई कार से आते हैं और सड़क पर से निकल जाते हैं और गाँव वालों की सुध लेने नहीं आते। तो दिनेश लाल यादव अगर आप हमारे इस वीडियो को देखें तो आपको शर्म आनी चाहिए, आप फिल्म बनाना बंद करिए आम्रपाली दुबे के साथ और जरा जमीन पे आइए और गांव की समस्या को देखिए कि आखिर वाकई में गांव वाले किस समस्या से जूझ रहे हैं और इस समस्या का निजात करिए, क्योंकि सामने 2024 है और आपको फिर यहीं से चुनाव लड़ना पड़ सकता है।